कल जो कि रोहिणी को दिल्ली में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें कि शूट आउट हुआ और गैंगस्टरों में आके जो पेशी पे जिस गैंगस्टर को लाए थे उसकी हत्या कर दी गई और फिर जो असिलेंट थे उनको भी मार गिराया गया। तो इससे संबंधित एक याचिका दाखिल की गई है, उसमें सवाल उठाया गया है कि सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में ना ही सिर्फ ये दिल्ली की पहली घटना है बल्कि पहले भी इससे देश भर की सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में ये देखा गया है कि कई जगह हमले हुए हैं, गोलियां चली हैं, पेशी पर जिन मुलजिमों को लाया जाता है उनकी हत्या कर दी गई है, कई वकीलों पर भी हमले हुए हैं। तो इसमें सुरक्षा ना ही सिर्फ एक किसी वर्ग का है बल्कि पूरी जो जुडिशियल सिस्टम है उसके लिए सवाल उठाए गए हैं कि जजेस हैं, कोर्ट स्टाफ्स हैं, लॉयर्स हैं और जो लिटिगेंट्स आते हैं उनकी सुरक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित की जाए। साथ में इसी में हमने 5 सजेशंस दिए हैं, जैसे कि एक तो लिटिगेंट्स हैं, बहुत से लिटिगेंट्स ऐसे होते हैं कि वो वॉयलेंस का सहारा लेते हैं, अपने राइवल जो लिटिगेंट होता है उसको धमकाकर, उसको मारपीट करके, हमला करके उसको कॉम्प्रोमाइज़ के लिए विवश करते हैं। तो जो लिटिगेंट्स अपने साथ भीड़भाड़ लेकर आते हैं उनको कतई परमिट ना किया जाए, जो उनके साथ जो अनवांटेड पर्संस आते हैं उनको परमिट ना किया जाए, सिर्फ लिटिगेंट्स को एंट्री हो। साथ में सबॉर्डिनेट कोर्ट्स जितनी भी हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इज ऑल इंडिया में, उनमें एक पुलिस चौकी होनी चाहिए, पुलिस पोस्ट हो, आर्म पुलिस पोस्ट हो, क्योंकि आप रिमोट एरियाज में आप देखेंगे तो वहाँ पर कोई भी पुलिस पोस्ट किसी भी सेशन कोर्ट में आपको नज़र नहीं आएगी, तो जिससे कि गुंडे या जो असामाजिक तत्व होते हैं उनका हौसला बड़ा रहता है, वो वारदात करके वहाँ से फरार हो जाते हैं। साथ ही उसमें यह भी मांग की गई है कि CCTV कैमरेज इंस्टॉल किए जाएँ सारी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में, दिल्ली में हैं, मेट्रो सिटीज़ में सुविधा होती है, लेकिन जो अदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं अदर स्टेट्स के, जैसे कि राजस्थान है, MP है, वहाँ सब जगह CCTV कैमरेज नहीं है। तो CCTV कैमरा होने से कोई भी अगर वारदात घटना होती है तो उसका सही तथ्यात्मक रिपोर्ट ली जा सकती है। और साथ में ये भी सुनिश्चित किया गया, मांग की गई है कि सारी राज्य सरकारें सबॉर्डिनेट जुडिशरी की सुरक्षा को पूरी तरह से सुनिश्चित करें ताकि आदमी को न्याय लेने में कोई ऑब्स्टेकल पैदा ना हो। लोअर जुडिशरी और हायर जुडिशरी में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें काफ़ी फर्क होता है। लोअर जुडिशरी में सिर्फ एक स्तरीय सुरक्षा होती है, जबकि हायर जुडिशरी यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में देश भर में 3 स्तरीय सुरक्षा होती है। और इसके अलावा पास का भी एक माध्यम होता है जो एक सुरक्षा व्यवस्था का अहम पहलू है हायर जुडिशरी में। जब भी कोई व्यक्ति यानी कि पिटिशनर या फिर अन्य कोई अदालत के अंदर जाना चाहता है तो उसे हायर जुडिशरी में पास बनवाना पड़ता है, जबकि निचली अदालत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है और निचली अदालत में सिर्फ पुलिस की पिकेट और एक जांच का माध्यम होता है। कई बार पुलिस वकीलों की जांच भी नहीं करती है क्योंकि वकील साहब का एक सम्मान होता है और वकील साहब के सम्मान के चलते आप देख सकते हैं कि कल जो दुर्घटना हुई, जो शूटआउट हुआ, उसमें वकीलों के भेष में ही जो शूटर थे वो आए थे और उसके बाद उन्होंने एक हत्या को अंजाम दिया जिसके बाद पुलिस ने क्रॉस फायरिंग में उन्हें मार गिराया। तो आप ये जान सकते हैं कि लोअर जुडिशरी में सिर्फ एक स्तरीय सुरक्षा होती है, जबकि हायर जुडिशरी में यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 3 स्तरीय सुरक्षा होती है। इसके अलावा पास भी एक सुरक्षा का अहम माध्यम होता है। पीयूष पांडे, TV9, भारतवर्ष, दिल्ली। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।